Let's shift focus now to Gujarat, where L K Advani is addressing a rally at the same spot where Rahul Gandhi was just hours ago. Let's cut across live to Sanand. और एक-एक समाज के मुखिया आकर के चाहता था कि उनकी समाज का साफा में कहें अभी अभी हमारी समाज था उन्होंने एक साफा हमको दिया और मैंने वो लगाया और इतनी खुशी हुई उनको बहुत प्रसन्नता हुई आनंद हुआ वैसे मुझे लोग लोग कहते हैं कि पन्नी जो बांधी है ना उसको उतारिए बस अच्छी रहती है कि भगवान ने जो पगड़ी दी वो जब चली गई तो कोई पगड़ी लगा दो अच्छी लगेगी मित्रों मैं आपके सामने एक बात कहने आया हूं इस चुनाव का ही सवाल है पिछले दिनों में जितने चुनाव हुए हैं अधिकांश चुनावों में समस्या ये रहती है क्या अच्छा शासन कौन सी पार्टी दे सकती है अच्छा शासन कौन सा नेता दे सकता है अच्छा का मतलब है ईमानदारी भी होना चाहिए निर्णय करने की भी क्षमता होनी चाहिए और जनता का कल्याण पूरी देश मन में होना चाहिए ये तीन गुण चाहिए अच्छे शासन को और आज दुनिया भर के लोगों से पूछिए भारत भर के लोगों से पूछिए कि ये तीनों गुण नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा माने ईमानदार अच्छा माने निर्णय करने की क्षमता वाला अच्छा माने पूरी देश जनता के कल्याण की चिंता करने वाला इन तीनों गुणों के आधार पर आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि नरेंद्र भाई जो वर्षों से मेरे साथी रहे हैं पार्टी का काम बढ़ाने में उन्होंने साथ दिया आज वो मुख्यमंत्री के नाते जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात की जनता की सेवा की है 20 दिसंबर को मन में बहुत खुशी होगी जब उनका हैट्रिक रिकॉर्ड होगा मैं वर्षों से गांधीनगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में लेकिन ये पहली बार है मैं सानंद का नेतृत्व करूं इससे पहले सानंद नहीं इससे पहले वो और बहुत सारे अच्छे क्षेत्र थे लेकिन सानंद रूप में नहीं था और सानंद से पहला मेरा परिचय हुआ जब हिंदुस्तान के सब लोग स्थानों पर धूमधाम करके जो लोग भारत के लिए और भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक छोटी कार बनाना चाहते थे नैनो नाम की उसने सानंद को बना और कहा कि मैं यहां पर बनाऊ और उसके बाद एक के बाद एक ये कार भी आ रही है वो कार भी आ रही है वो कार भी हो रही है मैं तो चाहूंगा कि सब लोगों के पास कार हो लेकिन ये संभव नहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान में तो कार तो कुछ ही लोगों के पास होगी लेकिन जितनी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज निर्माण करने वाली कंपनीज अधिक आएंगी किसी क्षेत्र में उसी मात्रा में उस प्रदेश का उस क्षेत्र का विकास बढ़ता जाएगा रोजगार बढ़ता जाएगा और रोजगार बढ़े सानंद के लोगों का ये मेरे मन की तमन्ना है और ये तमन्ना होते हुए तो बहुत खुशी होती है बहनों को देख करके भी प्रसन्नता होती है भाइयों को देख करके और बुजुर्गों को देख करके नौजवानों को देख करके मुझे प्रसन्नता होती है मुझे तो आश्चर्य लगता है सजग लगता है जब कांग्रेस की ओर से लोग नरेंद्र भाई जैसे व्यक्ति पर ये कहते हैं कि उन्होंने कौड़ी का दुरुपयोग नहीं करते अगर उन्होंने जितनी सफलता पाई है आज गुजरात में
उसका एक कोई प्रमुख कारण है तो वो ये है कि वो भ्रष्टाचार से कभी समझौता।